मतलब ये मान लो भाई साहब मेरे को हार्ट अटैक आते आते बचा उस दिन भाई साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो गुरुग्राम में स्कूल की धांधलियों को लेकर आ रही है। हाँ, रोजाना स्कूल को लेकर धांधलियों के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो DLF से आ रही है। आइए आपको बताते हैं इस वक्त का जो ताजा मामला वो है क्या। प्रदेश सरकार की लाख शक्ति के बावजूद शिक्षा के नाम पर लूट का धंधा बंद होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला गुरुग्राम के DLF सिटी में नामी स्कूल DPS का है। अभिभावकों की माने तो स्कूल प्रबंधक के पास कोई मान्यता नहीं है, फिर भी बिना किसी डर के और बड़े नाम के सहारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन कई दिनों से अभिभावकों के साथ टाल मटोल कर रहा है। हताश अभिभावकों ने बार बार स्कूल के साथ रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन मामला न सुलझने पर स्कूल के रवैये से गुस्साए अभिभावकों ने गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला उपायुक्त से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। ऐसा, मेरा नाम दीपक जैन है, मेरे बच्चे 10-12 साल से पढ़ रहे हैं, मेरी बेटी ने भी 12th क्रॉस किया है, बेटा 12th में है। मैं ये देख के बहुत चक्का रह गया जी, स्कूल के पास कोई मान्यता नहीं है। जैसे हमने CM विंडो पर किसी मुद्दे को लेकर इनकी कंप्लेंट लगाई तो DO डिपार्टमेंट ने लिख के दे दिया जी, इस स्कूल के पास कोई मान्यता नहीं है, ये स्कूल अनाधिकृत तौर पर चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये, स्कूल को चलाने वाली एक बहुत ही नामी गिरामी कंपनी है जो कि अपने आप को बहुत क्लेम करती है, उसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसका ही गुड़गांव में प्लांट है, जो कार बनाती है। अगर ये अगर शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है तो हो सकता है इसके जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उसमें कैसे, मतलब क्या देरी होगी, लोगों को सोचने वाली बात है। मेरा बच्चा DPS DLF सिटी में पढ़ता है, मेरे को डॉक्यूमेंट मिले DPS बहुत सीखे, मैं कहाँ जाऊँ भाई साहब इनको लेकर? क्या ये डॉक्यूमेंट चेंज हो सकते हैं आज? ये कभी नहीं हो सकते। ये इन्होंने मेरे साथ पिछले 12 साल से धोखा किया है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं प्रूफ कर सकता हूं कि मेरा बच्चा DLF सिटी में पढ़ता था, स्कूल 12वीं तक चलता था। स्कूल ने लेटर डाले हुए हैं कि आपकी अगले साल से जो भी क्लास है 10th ऑनवर्ड सारी DPS मारुति कुंज में शिफ्ट हो जाएंगी। तो हम लोगों के कान खड़े हुए, ये गलती क्या कर, मतलब हम कहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसका मैटर क्या है? जब खोजबीन करी तो ये पता चला जिसका एफिलिएशन ही नहीं है भाई साहब इसका, मतलब ये मान लो भाई साहब मेरे को हार्ट अटैक आते आते बचा उस दिन भाई साहब। क्या हम एक स्कूल में जा रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं, ब्रांड है DPS, तो वहाँ एफिलिएशन होगा, सारा कुछ प्रॉपर होगा, ये तो अंधेरी गिरती हो गई है तो सारी की सारी। वो स्कूल सर ने भी अपनी वेबसाइट खोली तो वहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसा मैडम ने दिखाया, इस पर कहीं फीडर ब्रांच लिखा हुआ नहीं है जी, इस पर तो उन्होंने कहा यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है जी, आपने कहाँ लिख के दे दिया? और फीडर ब्रांच का कोई कंसेप्ट ही नहीं है दुनिया में, ऐसा नहीं है। दूसरा, हमें धमकी मिलती है स्कूल से, हम आपको देख लेंगे। तो सर ने पूछा एफिलिएशन का तो मैटर क्लियर है, एक लेटर हमारा जो हमारे पास रिपोर्ट है वो दे दिया, बोला DO का मैं बोल लूंगा, आगे जो कार्रवाई होगी वो करूंगा एज पर रूल्स। गुरुग्राम के DLF सिटी में DPS स्कूल के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक DLF में स्थित DPS स्कूल के पास कोई वैलिड मान्यता नहीं है। स्कूल प्रबंधक अपने स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को किसी और स्कूल से सर्टिफिकेट देते हैं। अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने CM विंडो से जानकारी मिली है कि गुरुग्राम में करीब 200 स्कूल बिना मान्यता के धड़ल्ले से चल रहे हैं। पेरेंट्स सर DPS DLF सिटी 2 के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं। हम यहाँ पे आज मीटिंग के लिए आए हैं। हमारा मेन मुद्दा जो है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि ये जो एक नॉन अफिलेटेड ब्रांच धोखाधड़ी चला रही है मारुति कुंज के नाम से, और ये DPS DLF सिटी जो कि मारुति की एक ब्रांच है स्कूल की, इसमें जो धोखाधड़ी चल रही है इसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ स्टॉप किया जाए और हम सबको न्याय मिले, यहाँ से आज हम तभी जाएंगे, दैट्स ऑल। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधक के इस रवैये के खिलाफ कई बार स्कूल के प्रिंसिपल से भी मुलाकात की, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल का रुख बेहद आपत्तिजनक रहा। ऐसे में अभिभावकों ने CM विंडो पर शिकायत की, जिसके बाद ये मामला गुरुग्राम के ADC यानी कि अतिरिक्त उपायुक्त के पास पहुंची। फिलहाल अभिभावकों ने ADC से मिलकर बच्चों के भविष्य पर चिंता जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। मेरे दो बच्चे DPS DLF सिटी स्कूल में पढ़ते हैं, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसकी मान्यता नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि मान्यता नहीं है स्कूल की, और इस बात का हमें इसी साल पता चला है। पिछले 3 साल से मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और बिना मान्यता के स्कूल चलाना एक क्राइम होता है, ठीक है सर? सरकार के नियमों की धज्जियाँ उड़ा के स्कूल बेमाने तरीके से लोगों को लूट रहा है, पेरेंट्स को का गाड़ी कमाई जो है उसको लूट रहा है। तो अगर कोई लूट होती है तो उसके बारे में क्या क्रिमिनल ऑफेंस बनता है? लूट जो डकैती ये लोग डाल रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ, लूटपाट कर रहे हैं, कितना बड़ा क्राइम है। सबसे नंबर 1 पे एजुकेशन को रखा गया है मौलिक अधिकारों में आज के टाइम में,
तो उसी का ही हनन हो रहा है। CBSE को भी लिखा हुआ है, NCERT को भी लिखा हुआ है, ये सारा हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड है, सभी को हमने लिख दिया। CM को लिखा हुआ है और एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको भी लिखा हुआ है। समाधान तो हम पेरेंट्स हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक अपना पक्ष रखा है। जो काम एडमिनिस्ट्रेशन को करना था वो हम पेरेंट्स कर रहे हैं, कि स्कूलों के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा। तो ये थी आज की ताज़ा खबर, और ऐसी ही तेज़ खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।